देखिए, जहानाबाद लोकसभा चुनाव हम इस बार जीतेंगे। हमारा काम, हमारा विकास के, हमारी उपलब्धियां हमारे साथ हैं। देखिए, एनडीए गठबंधन ने 2009 में साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काम किया। जदयू और भाजपा का गठबंधन ने इस बिहार में 32 सीटें जीतने का काम किया था। इस बार रामविलास जी भी हमारे साथ हैं। इसके अतिरिक्त नरेंद्र मोदी का विराट व्यक्तित्व है, राष्ट्रवाद की ताकतें हैं। जो काम हुए हैं विकास का बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इन कामों से हम पूरा बिहार का चुनाव जीतेंगे और जहानाबाद का चुनाव तो बहुत बड़े मतों से जीतेंगे। और इसके लिए रणनीति बनाने का काम हो रहा है। तीनों दलों के कार्यकर्ता बैठकर अपनी अपनी जिम्मेवारी तय करेंगे, जो अधिक से अधिक वोट से, रिकॉर्ड मत से जीतें, इसकी तैयारी हो रही है। एनडीए ने जहानाबाद सीट जदयू के खाते में आई और जदयू ने अपना उम्मीदवार दिया है। हम पूरी मजबूती के साथ अपने तीनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेकर चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी और नीतीश कुमार का जो कार्य करने की संस्कृति और प्रणाली है, उस पर विश्वास करके जहानाबाद की जनता हमारे उम्मीदवार को भारी मतों से जिताएगी। देखिए, आज का जो बैठक है वह पूर्ण रूप से एनडीए के कार्यकर्ता साथियों का बैठक है और इस बैठक में हम लोग विचार कर रहे हैं कि किस तरह से पार्लियामेंट का चुनाव हम लड़ेंगे और किस तरह से हम जीतेंगे। इसका अभियान बनाने के लिए हम लोग यह बैठक बुलाए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं जहानाबाद वासियों के लिए? लेकिन जहानाबाद में हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रामविलास जी किस तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से जहानाबाद का जो विकास रुका हुआ है, वो अब तक नहीं हुआ है, वह विकास भी पूर्ण हो। इसलिए एनडीए के उम्मीदवार को जहानाबाद की जनता भारी मतों से विजयी बनावे और देश के बढ़ते हुए विकास में जहानाबाद भी शामिल हो।